हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी हेल्दी रेमेडी लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो भी आपके बाल अगर बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं या झड़ते हुए बाल हों या आपके बाल उगने से रुक गए हैं, तो इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे तो आपके बालों की सभी समस्याएँ दूर होंगी। तो प्याज में कुछ चीज़ें मिलाकर आप लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ही थिक होंगे, बहुत ही लॉन्ग होंगे और बहुत ही ज़्यादा सिल्की होंगे। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पर भी आपको नई नई रेमेडी और रेसिपीज देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है प्याज। तो प्याज अक्सर सभी के घर में होता है, ये हमारे बालों के लिए एक वरदान का काम करता है। ये इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं कि हमारे बालों की सभी समस्याओं को दूर कर देता है ये। तो आप प्याज कोई सा भी ले सकते हैं, हो सके तो आपको लाल प्याज लेना है, उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा हेल्दी होता है। और आपको इसका छिलका भी अलग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट छिलका सहित ही पीसना है इसको और इसका दरदरा पेस्ट बनाकर आपके बालों के लिए इसका जूस को निकाल के तैयार करना। प्याज में कुछ चीज़ें मिला के आप अप्लाई करेंगे तो आपके बालों की समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और बाल इतने ज़्यादा सिल्की रहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सिल्की रहेंगे। आपको हाथ लगा के उसको छूने में भी खुद को पता चलेगा कि हमारे बाल कितने सिल्की है ये। तो ये देखिए, हमने इसको दरदरा पेस्ट इसका पीस लिया, आपको ज़्यादा बारीक पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो या तो आप छन्नी की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं, नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले लेना है, इसको बिल्कुल पतला कपड़ा लेना है, उसमें भी आप डाल के निचोड़ के भी इसका जूस निकाल सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा जूस निकलेगा, जो भी पूरा जूस रहता है वो पूरा निकल जाता है जूस, इसका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे बालों के लिए किसी भी तरीके से आप इसको लगाइए तो आपके बालों की समस्याओं को दूर करेंगे आप इस तरीके से। और हफ्ते में आपको कम से कम इसको 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करना है। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों तो आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बट आप इसको लगा के कम से कम इसको 15 मिनट तो आपके बालों में लगा के रखना पड़ेगा। और आप चाहो तो इसको रात को लगा के भी सो जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। आपके बालों की सभी समस्याएँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी अगर आप रात को लगा के इसको बालों में सो जाएंगे तो, और आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और आपके बालों की समस्याएं हैं, जो भी बाल अगर रूखे हैं या डैंड्रफ आपके बालों में, तो वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इतने ज़्यादा सिल्की होंगे बाल आपके कि आप खुद देख के चौंक जाएंगे इसका रिजल्ट। तो आप ये रेमेडी ज़रूर बना के अप्लाई करें। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको नई नई रेमेडी और रेसिपीज देखने को मिलेगी। कौन सी रेमेडी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे शहद। तो शहद हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर पाया जाता है, जो शहद हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये, और हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से सिल्की बनाता है ये। तो आप शहद ले लेना है, आपको आधी चम्मच के करीब आपको शहद लेके इसमें ऐड करके मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। वो बोल रही हूँ कि आपको कि प्याज में कुछ चीज़ें ऐड करके आप अप्लाई करेंगे तो आपके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आप इसको हो सके तो रात को लगा के सोइएगा तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो विटामिन ई का कैप्सूल भी आपको मालूम होगा कि कितना ज़्यादा फायदेमंद है हमारे बालों के लिए, और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। इसको आप ला के रख लीजिए तो आप इसको जब भी रेमेडी बनाए तो उसमें लगा कर आप अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करें। और इस रेमेडी से कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है हमारे बालों के लिए। तो आप इसके, अगर आपके बच्चों के भी बाल बिल्कुल अच्छे नहीं है, अगर छोटी लड़कियाँ हैं तो आप उसकी ज़रूर लगाइए। थोड़ी सी देर इसमें आपके आंसू ज़रूर आएंगे, क्योंकि प्याज की इतनी ज़्यादा तेज महक होती है, गंध होती है, तो इससे आंसू हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल। तो यह हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा वरदान माना गया है कि हमारे बालों को इतना ज़्यादा लॉन्ग, बिल्कुल मोटा, घना करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ये। तो आप कैस्ट्रोल ऑयल ज़रूर ऐड करें अगर आपके पास है तो। आपके तेल में भी आप इसको जो लगाते हैं उसमें भी थोड़ा सा आप 1 से 2 चम्मच मिक्स करके लगाइएगा तो आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे होंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा उसका बेस्ट रिजल्ट पाएंगे।
तो इस तरीके से हमने डाल कर इसको मिक्स कर लिए हैं। तो देखिए इसमें जो मिक्स करके आप अब इसको डायरेक्ट अप्लाई करें, आपके बाल इतने ज़्यादा बहुत ही मजबूत होंगे, थिक होंगे और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होंगे। तो बालों का रिजल्ट आप खुद देख के चौंक जाएंगे, बट आपको इसको कंटिन्यू करना है एक या दो बार, एक हफ्ते में, दो हफ्ते में। ऐसा नहीं है कि आपके बाल इतने ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाएं, एक या दो हफ्ते में आप एक से दो बार लगाएंगे तो आपको रिजल्ट पूरा समझ में आएगा। बट अगर आपको बालों को लंबा करना है तो आपको इसको कंटिन्यू प्रोसीजर करना है इसको, कि आपको कम से कम इसको एक से दो महीने तक आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको इस तरीके से लगा लेना है कॉटन की मदद से। तो वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।